हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, और अभी हमने केवल फर्स्ट वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एंट्री क्या होती है, इंटरवल क्या होता है। आज हम थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये क्या चीज है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले हमें कुछ डेफिनेशन, कुछ फॉर्मूले तो बनाने ही पड़ते हैं, उसके बाद ही इस चैप्टर का, या इस चैप्टर की बात छोड़िए, इस किताब का मतलब समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। तो पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है। सपोज करिए तुम्हें एक फंक्शन दे दी गई, मैंने ये फंक्शन लिख दी, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये एक फंक्शन है एक्स की, बी द फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसमें कुछ एक्स की वैल्यू अपने पास से पुट करिए। सपोज करिए ए रखी, फिर ए प्लस एच रखी, ए प्लस टू एच रखी, ए प्लस थ्री एच रखी, और इसी तरह से रखते हुए चले जाइए, और ए प्लस लास्ट में लिख दीजिए हमने एन एच रखी। तो मैंने देखा होगा एक्स की जो वैल्यू रखी है मैंने, इंटरवल का ध्यान रखा है मैंने, इसमें से एच, इसमें से माइनस करो एच, तो इंटरवल जो लिया है मैंने यहां पर एच लिया है, ठीक। और अब हम वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वाई हमारा क्या था, वाई इक्वल टू था एफ एक्स, तो मैं एफ के रूप में लिख देता हूं। ए रखने पर वाई की वैल्यू आई एफ ए, ए प्लस एच रखने पर आई ए प्लस एच, फिर यहां पर आई एफ ए प्लस टू एच, इसी तरह से हम करते हुए चले जाते हैं और लास्ट में आ जाती है एफ ए प्लस एन एच, ये वाई की वैल्यू आई। अब तुम्हें क्या करना है, जो ये एंट्री आई है वाई की, जो वैल्यू आई है, सेकंड वाली एंट्री में से फर्स्ट वाली एंट्री को माइनस करना है, तो जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन पहला फॉरवर्ड डिफरेंस। देन यहां लिख रहा हूं मैं, देन एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, एफ एक्स का, लेकिन किस आर्गुमेंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। जो यहां पहला वाला आर्गुमेंट होगा, ए पर फंक्शन की वैल्यू है, फिर ए प्लस एच पर है, तो ए पर कहलाता है। इसे डिनोट कैसे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय, एंड डिनोटेड बाय डेल बनाएंगे और अंदर लिखेंगे एफ ए, ये इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे डिफरेंस को लिखेंगे डेल्टा एफ ए, ये संकेत हुआ, डेल्टा एफ ए का मतलब हुआ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो कोई पूछा तुमसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है, तो एंट्री माइनस करनी, ध्यान रखना एंट्री, एंट्री का डिफरेंस को बोलते हैं, लेकिन सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस करिए तो उसे बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन किस फंक्शन का, एफ का, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, संकेत देंगे डेल्टा एफ ए। तो इसका मतलब किसी ने थर्ड एंट्री को सेकंड एंट्री में से माइनस कर दिया, तो सेकंड में से थर्ड को माइनस करोगे तब भी वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ही कहलाएगा, लेकिन किस पॉइंट पर कहलाएगा, वो ए प्लस एच पर, ठीक है। तो सिमिलरली लिखूंगा मैं नीचे की ओर, सिमिलरली, एक मिनट जरा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, सिमिलरली एफ ए प्लस टू एच में से माइनस कर दीजिए एफ ए प्लस एच को, कहने का मतलब थर्ड वाले एंट्री में से सेकंड वाली एंट्री को माइनस करिए, तो जो डिफरेंस आता है इसे ही बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, एफ का, किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पर, डिनोट कैसा करेंगे, एंड डिनोटेड बाय डेल्टा, आप क्या लिखेंगे, एफ ए प्लस एच। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बना, डेल्टा एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस टू एच माइनस के एफ ए प्लस एच। इसी तरह से अगर हम फोर्थ वाली एंट्री में से थर्ड वाली एंट्री को माइनस कर दें तो वो भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा उसी फंक्शन का, लेकिन किस आर्गुमेंट पर होगा, ए प्लस टू एच पर होगा। तो इस तरह से हम करते हुए जा सकते हैं।
मैं इसी तरह से लिख रहा हूं सिमिलरली करके। अगर तुमसे कोई पूछता है कि हमें बताइए a प्लस टू एच पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बनेगा, जैसे यहाँ a प्लस एच पे आया, एक बढ़ा दिया इसमें, इसमें देखो a पे निकाला तो h बढ़ा दिया, तो पहले इसमें बढ़ा दो तो यहाँ हो जाएगा a प्लस थ्री एच। देखो यहाँ पे देखो a प्लस एच, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ a प्लस टू एच, इसके अंदर h बढ़ा दिया, फिर ये ही बाद में लिख दिया माइनस। यहाँ पे देख लो एफ ए था तो एफ ए में a में h जोड़ दिया तो a प्लस एच, फिर माइनस एफ ए कर दिया, बिल्कुल सेम यहाँ पे कर देंगे एफ ए प्लस टू एच। तो कोई पूछेगा ये क्या है, ये भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, किस फंक्शन का, एफ का, लेकिन किस आर्गुमेंट पर, ए प्लस टू एच पर। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें हो क्या रहा है कि जिस आर्गुमेंट पर तुम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो, पहले उसमें एच इंटरवल जो था वो बढ़ाया जाता है और फिर माइनस वही घटा दिया जाता है। तो इससे हम एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एक फॉर्मूला बना देता हूं मैं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस पूरे में x लिख दूं, तो यहां पहले क्या लिखा जाएगा, इंटरवल h बढ़ा दिया जाएगा और माइनस के हो जाएगा f x, जो यहां था वो यहां जाएगा। तो ये एक हमने फॉर्मूला बना लिया कि कभी भी हमें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो इससे निकाल देंगे। तो तुम्हें ये याद रख लेना है, बस ये फॉर्मूले से हम अब देखो कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज करिए कोई तुमसे कहता है कि इस फॉर्मूले से डेल्टा एफ ए निकाल के दिखाइए, तो बस एक्स की जगह ए कर दीजिए, तो यहां पर जाएगा ए प्लस एच माइनस के एफ ए। ऊपर चेक करिए, देखो ये रहा ये वाला, ये यही तो आ गया, मतलब इस फॉर्मूले से हम ऊपर वाले बना सकते हैं, ये रहा डेल्टा एफ ए इक्वल टू ये। अगर मान लीजिए कोई कहता है डेल्टा एफ ए प्लस एच निकालिए, तो एक्स की जगह इसमें ए प्लस एच कर दीजिए, तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, तो इस फॉर्मूले को तुम्हें लर्न कर देना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो तुम मुझे बताना। मान लीजिए अब तुमसे कोई कहता है कि भाई तुम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के दिखाइए a प्लस फोर एच पर, मतलब आर्गुमेंट क्या लिया a प्लस फोर एच, इस पर निकाल के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, बस x की जगह a प्लस फोर एच कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ एफ ए प्लस आपके बाद हो जाएगा फाइव एच। वैसे याद रख लो बस जितना यहां हो उसमें इंटरवल बढ़ाना है और फिर माइनस ये लिख देना है, तो एफ ए प्लस फोर एच ये बन गया। तो इस तरह से हम बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, तुम भी ध्यान देना, रफ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कोई फंक्शन दी गई है तुम्हें एफ एक्स इक्वल टू है ए की पावर एक्स, ये फंक्शन है, और तुमसे कोई कहता है डेल्टा एफ ए निकाल के दिखाइए, तो डेल्टा एफ ए फॉर्मूला याद रखो, ये डेल्टा एफ ए का मतलब क्या होगा, डेल्टा एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इसमें एक्स की जगह ए कर दो, तो डेल्टा एफ ए क्या बन जाएगा, डेल्टा एफ ए बन जाएगा हमारा, यहां पर देखो ये डेल्टा एफ ए बन जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये बन जाएगा। तो बढ़ो यहां से, तो ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए। बस सीधी सी बात, एक बात ध्यान रखो, जो यहां पे लिखा हुआ ना, यहां पे लिखा हो उसमें इंटरवल बढ़ा दो पहले, तो और फिर माइनस ऐसा कैसे माइनस कर दो। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू इससे बताओ क्या आएगी, इसकी वैल्यू इससे आ जाएगी e की पावर a प्लस h, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी e की पावर a, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो e की पावर a कॉमन, तो e की पावर h माइनस वन। तो ये क्या आया, कोई पूछने लगे तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आया, किस फंक्शन का आया, इस फंक्शन का, किस आर्गुमेंट पर आया, a पर आया। तो इस तरह से हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। कोई कहने लगे इसी फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के दिखाओ a प्लस एच आर्गुमेंट पर, a प्लस एच पर, तो a प्लस एच पर निकाल दो, क्या दिक्कत होगी। अगर वो कहता है हमसे कि डेल्टा एफ a प्लस एच निकालो, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, बस इसको x की जगह a प्लस एच कर दो, या वैसे याद रख लो कि जितना यहां पे लिखा होता है उसमें h बढ़ाना इंटरवल, तो यहां बन जाएगा एफ ए प्लस टू एच, और माइनस लिख देंगे एफ ए प्लस एच। ये ना, अब यहां पे इसकी वैल्यू ऊपर से निकाल दो, तो x की जगह क्या भर दें, a की पावर a प्लस टू एच भर दो, तो e की पावर क्या बन जाएगा a प्लस टू एच, और माइनस के e की पावर a प्लस एच बन जाएगा। पूरे में कॉमन ले दो, e की पावर a प्लस एच तुम कॉमन ले सकते हो पूरे में से, तो यहां से क्या जाएगा, यहां से आ जाएगा e की पावर h बनेगा और माइनस के बन, ये बन गया। तो इस तरह से तुम बड़े आराम से फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हो किसी भी आर्गुमेंट पर। इसकी बात छोड़िए, अगर मान लीजिए मुझसे कोई क्वेश्चन कहता है, एक एग्जांपल कहता है इस टाइप की कि भाई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो मैं इस फंक्शन का,
लॉग एक्स का, लेकिन निकालना किस पर है, टू पर। आर्गुमेंट जो उसने टू दे दिया और टू पे निकालना, बस तुम्हें केवल डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो डेफिनेशन है हमारी एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ये। तो यहां पर डेफिनेशन लगा दो, एक्स की जगह बस क्या भरना, तुम्हें टू रखना, डेल्टा एफ टू निकालना, तो टू रखना, तो क्या आ जाएगा एफ टू प्लस एच माइनस के एफ टू, और एफ टू प्लस एच की वैल्यू यहां से भर दो, तो कितनी हो जाएगी लॉग टू प्लस एच, और माइनस के कितना हो जाएगा लॉग टू, बस ये निकल गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहो कर दीजिए, ऐसा जैसे लॉग आ गया, लॉग का रूल लगा सकते हो तुम, टू प्लस एच अपॉन कितना टू कर सकते हो। तो ये इस फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया टू आर्गुमेंट्स पर। ऐसे ही हम अब सीखेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। देखिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, अगर तुम्हें फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आता है तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस को डेल्टा स्क्वायर से दिखाया जाएगा, डेल्टा के ऊपर स्क्वायर लगाकर। अगर किसी फंक्शन का तुम्हें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो इसको दो बार लिख लो ऐसे, और इसको दो बार लगाओ, पहले एक बार लो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, उसके बाद में दोबारा और ले देना, तो वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है। बताइए अभी मैंने फॉर्म में बताया था डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इसे यहां पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ये आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस के डेल्टा एफ एक्स, ये। अब यहां पर देखो इसमें फिर ये फॉर्मूला लगाओ, तो ये वाला बस एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो, क्योंकि यहां पर एक्स प्लस एच है। देखिए फॉर्मूला कोई रटता नहीं है, सीधा सा लॉजिक ध्यान रखता है, जब भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला जाता है तो जो भी यहां फंक्शन के अंदर लिखा उसमें इंटरवल इंक्रीज कर देना बस, ठीक है। तो फंक्शन में यहां पर इंटरवल बढ़ा दें तो x प्लस टू एच हो जाएगा, और माइनस ये ही लिखना होता है फिर। ये हमने पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला इस वाले का, अब इसका निकालना इसमें, इसमें भी ये तरीका, x में इंक्रीज कर दो पहले, तो x प्लस एच कर दिया और माइनस एफ एक्स कर दिया, बस ये बन गया। थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो एफ एक्स प्लस टू एच माइनस, देखो ये वाला और ये वाला दोनों माइनस के हैं, तो डबल लिख देता हूं मैं एफ एक्स प्लस एच, और लास्ट का हो जाएगा प्लस के। तो सेकंड फॉरवर्ड यदि किसी फंक्शन का तुम्हें निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन मैं कहता हूं फॉर्मूला मत लगाइए, जैसा हमने ये फॉर्मूला बनाया है ना ऐसे ही क्वेश्चन करिए सीधे सेकंड फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। पहले फर्स्ट फॉरवर्ड निकालिए, दोबारा फर्स्ट फॉरवर्ड निकाल दीजिए, तो सेकंड फॉरवर्ड निकल जाएगा। सपोज करो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है इस टाइप का, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ए इधर लेता हूं, मतलब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और तुमसे कहा जा रहा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना इस फंक्शन का, सपोज करिए ए पे निकालिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए देगा ना, ए की जगह फाइव दे दे, सिक्स दे दे, कुछ भी दे दे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो पहले हम इसको लिख लेंगे डेल डेल, और पहले हम एक बार फर्स्ट फॉरवर्ड लगाएंगे, याद रखिए बस फर्स्ट फॉरवर्ड क्या होता है, पहले हमें यहां पर एच बढ़ाना है और माइनस एफ लिख देना है, ये हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड। इसकी फिर इसकी वैल्यू खोल दीजिए, इसको इसके साथ ले जाइए, ये ले गए, और फिर इसके साथ ले जाइए, फिर लगा दीजिए फर्स्ट फॉरवर्ड यहां पर, पहले इंटरवल बढ़ा दीजिए, ये हो गया a प्लस टू एच, माइनस ये लिख दीजिए फंक्शन, ये लिख दी, फिर यहां भी यही कर दीजिए, पहले बढ़ा दीजिए और माइनस के एफ ए लिख दीजिए, फिर सब पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए कितना बैठ गया एफ ए प्लस टू एच, ये हो गया माइनस का माइनस का माइनस का डबल हो गए, और यहां बन गया ए प्लस एच, और लास्ट का बन गया तुम्हारा एफ ए। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू इससे निकाल लीजिए, तो जहां एक्स है वहां पर ए प्लस टू एच कर दो, तो वन से वैल्यू निकल जाएगी, कितनी जाएगी a प्लस टू एच का स्क्वायर प्लस वन माइनस, अब इसकी वैल्यू बताइए कैसे निकलेगी, जहां x है वहां a प्लस एच कर दीजिए, तो यहां a प्लस एच का स्क्वायर और यहां आ जाएगा प्लस वन, फिर माइनस एफ ए की वैल्यू निकालनी, तो x की जगह a भर दीजिए, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सेकंड फॉरवर्ड थर्ड फॉरवर्ड निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, इसी तरह से करना बस तुम्हें। अगर मान लीजिए कोई कहने का थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालिए, थर्ड फॉरवर्ड
डिफरेंस, तो तरीका वही है, उसे दिखाएंगे डेल क्यूब से। और डेल क्यूब एफ एक्स बनाना तुम्हें, तो पहले एक बार डेल लगाओ, करना नहीं है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर पहले इंटरवल बढ़ा देंगे, फिर माइनस ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसको अंदर ले जाएंगे, एक डेल को ले जाएंगे, एक को बाहर रखेंगे, अभी एक डेल को बाहर रखेंगे, एक डेल को अंदर ले जाएंगे, ये आ गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफेंस खोल लेंगे, उसके बाद में जो एक डेल बचा उसे फिर अंदर ले जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे बस। और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच, एक बढ़ा दिया माइनस के एफ एक्स प्लस एच आ गया, ये आ गया। फिर उसे कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, बढ़ा दिया और माइनस के एफ एक्स आ गया, ये आ गया। टोटल को सोल्व करो कितना बैठ गया, ये बैठ गया एफ एक्स प्लस टू एच, और ये हो गया माइनस के टू एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर भी यही है, ये भी यही है, और बाद वाला हो जाएगा प्लस के। अब इस डेल को फिर अंदर ले जाइए, तो डेल एफ एक्स प्लस टू एच माइनस के टू डेल एफ एक्स प्लस एच अब प्लस के डेल एफ एक्स, इस तरह से कर दीजिए। और इसके बाद फिर डेल को खोल दीजिए, फर्स्ट फॉरवर्ड तुम्हें खोलना आता है, तो एक बढ़ाना है पहले, एफ एक्स प्लस थ्री एच हो जाएगा माइनस के एफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर कर देना, एक बढ़ा दीजिए एक्स प्लस टू एच माइनस के एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी यही काम कर दीजिए, एफ एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस थ्री एच ये रहा, ये वाला और ये वाला देखो सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये माइनस का है, ये माइनस के टू है, तो माइनस के थ्री हो गए, एफ एक्स प्लस टू एच हो गया। और देखो ये माइनस है या प्लस हो जाएगा, तो प्लस के टू हो गए एफ एक्स प्लस एच वाले, और एक ये रहा, तो प्लस के थ्री हो गए एफ एक्स प्लस एच वाले, और लास्ट में हमारा बचा माइनस के एफ एक्स, ये रहा। बस ये तो कैलकुलेशन है, सर तुम कर ही लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने तुम्हें फॉरवर्ड डिफरेंस सिखाए हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इन्हें करके देखिए, तो फिर अगली बार में हम कुछ हिस्सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, इन्हें करके देखिए। थैंक यू बच्चों।